नमस्कार, आप देख रहे हैं तरुण न्यूज नेटवर्क और मैं तरुण प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे रानी पद्मावती और उनसे जुड़े विवाद की, जो कि संजय लीला भंसाली द्वारा बनाई गई फिल्म के बाद गहरा गया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं पद्मावत की, जिसके रचयिता हैं मलिक मोहम्मद जायसी। अगर आप भारतीय राजनीति को थोड़ा भी समझते हैं या उसके विषय में थोड़ी ही जानकारी है आपको, तो आप रायबरेली और अमेठी से परिचित ही होंगे। रायबरेली में ही छोटा सा कस्बा आता था पहले, जायस नगर। वहीं जन्म होता है 1470 सन में मलिक मोहम्मद जायसी का, जो कि जिला विभाजन के बाद अब यह नगर अमेठी में आता है। 1470 में जन्म होता है मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी अवधि के दूसरे सबसे बड़े कवि हैं तुलसीदास के बाद, और अवधि में उनकी रचना पद्मावत तुलसीदास कृत रामचरित मानस के बाद सबसे बड़ी रचना है। तो यह आपको विदित होना चाहिए 1947 हिजरी, जो कि मुसलमान दिनांक होता है या कैलेंडर कहा जाए उसके हिसाब से, और सन में अगर बात करें तो करीब 1522 ईस्वी के आसपास पद्मावत वो लिखते हैं, जहां वो जिक्र करते हैं राजा रतन सेन सिंह, रावल रतन सेन सिंह और पद्मनी का। पूरा महाकाव्य जो है वो 58 खंडों में लिखा गया है, पहले खंड से लेकर 58 खंड। इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो अलग अलग खंड ये बांटा जा सका, आलोचकों ने इसको बांटा है साहित्य के आलोचकों ने। उन्होंने कहा कि पूर्वार्ध में जहां काल्पनिक घटनाएं घटी हैं, तो ही उत्तरार्ध में ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं। विस्तार से इस पद्मावत में क्या लिखा गया है इस पर हम बता दें। हालांकि उनका एक दोहे का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं, जो उन्होंने लिखा है कुछ दौरान शासक क्या था। उन्होंने लिखा है कि अलाउद्दीन देहली सुल्तानु राघव चेतन कीन बखानु। वो कहना एक ही चौपाई में उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी उस समय दिल्ली के सल्तनत पर विराजमान थे। कहानी शुरू होती है पद्मावती के, जो कि सिंघल द्वीप आज के समय में अगर बात किया जाए तो श्रीलंका है, वहां से वहां उनका एक प्रिय सुग्गा हीरामन सुग्गा होता है, जो कि किसी तरह से चला आता है चित्तौड़गढ़ में। वहां एक बहेलिया उसको पकड़ता है, उसके बाद फिर वह राजदरबार में पेश करता है, राजा को बहुत पसंद आता है वह सुग्गा। फिर वही जिक्र करता है पद्मावती का और पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य का, जिसको सुनकर राजा विह्वल हो उठते हैं और राजपाट त्याग करके वो सिंघल द्वीप की तरफ प्रस्थान करते हैं। राजा रतन सेन सिंह जाते हैं सिंघल द्वीप, जो कि श्रीलंका में, वहाँ पद्मिनी से, रानी पद्मिनी से विवाह होता है। विवाह के उपरांत वो चित्तौड़ पुनः वापस आते हैं और अपनी दोनों रानियों के साथ खुशहाल जीवन जीते हैं। लेकिन कुछ समय उपरांत उनका एक दरबारी था जिसके साथ थोड़ी सी अनबन हो जाती है, वैचारिक मतभेद हो जाता है, जिसे राजा रतन सिंह राज्य से निष्कासन कर देते हैं। वह जाके अलाउद्दीन खिलजी से मिलता है और अलाउद्दीन खिलजी को पद्मावती के अद्वितीय सौंदर्य की व्याख्या करता है, और उसकी व्याख्या सुनकर अलाउद्दीन खिलजी राजा रतन सेन सिंह से मिलने आते हैं और प्रस्ताव रखते हैं कि वो रानी पद्मिनी को देखना चाहते हैं। लेकिन राजपूती जो स्वाभिमान है उसके अनुसार, जो कथित स्वाभिमान जो कहा जाता है जो राजस्थान में, वो तैयार नहीं होते हैं। लेकिन वो क्योंकि कहता है कि वो उसको पद्मिनी को एक बहन मानता है, तो इस बात पे तैयार हो जाते हैं। हालांकि राजा रावल रतन सेन सिंह के जो सेनापति हैं गोरा, वो इस बात से दुखी हो जाते हैं। हालांकि राजा उनको झिझकारते भी, डांटते भी हैं कि तुम राजनीति क्या जानो, और उसके बाद होता है कि गोरा राज छोड़कर चले जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और फिर तय होता है कि रानी पद्मिनी को एक शीशे में दिखाया जाएगा, और वो एक शीशे के सामने, बड़े शीशे के सामने गुजरेंगी। वहाँ से वो देखता है पद्मिनी का अद्वितीय सौंदर्य, देखकर वो अचंभित और चकित रह जाता है और निर्णय करता है कि वह रानी पद्मिनी से शादी करेगा। वह किला लौट छोड़कर वापस आता है और उसके बाद फिर वह आक्रमण कर देता है चित्तौड़ पर। हालांकि दुर्ग जो इतना मजबूत रहता है चित्तौड़ का कि वह उसको भेद नहीं पाता है, उसने उसके फलस्वरूप वह एक रणनीति या यूं कहें एक कूटनीति बनाता है। और उसके बाद वह एक प्रस्ताव भेजता है राजा रावल रतन सेन सिंह को कि वह उनसे मिलने आए और एक संधि हो जाएगी। राजा रावल रतन सिंह उसके बहकावे में आ जाते हैं और वो उससे मिलने चले जाते हैं। फलस्वरूप होता है कि वो उन्हें कैद कर लेता है। कैद करने के बाद वह फिर आक्रमण करता है और कहता है कि राजा रावल रतन सेन सिंह को तभी छोड़ा जाएगा जब रानी पद्मिनी चित्तौड़ छोड़कर उससे साथ आएंगे ब्याह करने के लिए। रानी पद्मिनी को जब यह संदेशा मिलता है गुप्तचरों और संदेशवाहकों के माध्यम से,
तो वह गोरा जो कि उनके सेनापति पूर्व रहते हैं उनको मनाने जाती है, उनको खोज कर लाती हैं। और तब गोरा और बादल, बादल गोरा का भतीजा है, और उसके बाद फिर वह रणनीति बनाती, 108 डोलियों में आएंगी और अपनी सभी राजकुमारियों के साथ। इसको सुनते ही अलाउद्दीन खिलजी का दिमाग जो है वो बहुत ही वो पगला सा जाता है, उसकी इच्छा पूर्ति होने जा रही है। हालांकि उसके सेनापति को शंका रहता है कि इतने आसानी से राजपूत मानते नहीं हैं। फिलहाल जो भी था, इसके बाद रानी गोरा बादल और 108 जो अन्य सबसे कुशल सैनिक रहते हैं चित्तौड़ के, वो आते हैं और वो फिर राजा को छुड़ा कर ले जाते हैं। लेकिन गोरा और बादल को इसी बीच शहादत हो जाती है, और फिर राजा रावल रतन सिंह सकुशल पहुंच जाते हैं। हालांकि करीब 6 महीने के बाद वो, क्योंकि पूरा तरह से अन्न भंडार रोक देता है, सब खाना नहीं जा पाता है, जो अनाज रहते हैं महल में, तो फिर लड़ाई करनी पड़ती है, और उसके बाद उपरांत उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसको सुनकर रानी पद्मनी, नागमती और सभी रानियां जौहर कर लेती हैं। यह पूरा चित्रण पद्मावत में है। अब इसका ऐतिहासिक झरोखा भी देख लेना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले JNU के प्रोफेसर हरबंश लिखते हैं, मध्यकालीन इतिहासकार हैं हरबंश, JNU में पढ़ाते हैं, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, उसका भी जिक्र कर देना, मैं यहाँ आवश्यक कर देना चाहता हूँ। उन्होंने लेख लिखा क्या कि वो लिखते हैं कि खिलजी ने चित्तौड़ में राणा, जो कि चित्तौड़ के राणा को 303 में हराया, और चित्तौड़ के राणा की मृत्यु 316 में होती है। और उसके बाद वो लिखते हैं जिसका जिक्र करना आवश्यक हो जा रहा है कि, और वो कहते हैं कि पद्मनी का जन्म जो होता है वो 1540 के आसपास हो रहा है, जो कि 224 साल बाद होता है, 1300 से 1500 का आप समय देखिए, वो पूरा समय होता है, करीब 250 साल बाद पद्मनी का जन्म होता है। तो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तौर पर जब वह युद्ध लड़ा गया था खिलजी और रावल रतन सेन सिंह का, तो उस समय पद्मिनी का ना तो लड़ाई के दौरान कोई जिक्र था और ना ही उस दौरान उसके पहले कोई जिक्र था। तो यह आवश्यक है, या पहले भी कहा हूं कि जो पद्मावत लिखा गया है वो काल्पनिक भी है, उसमें कुछ चीजें काल्पनिक है, उसको ऐतिहासिक तथ्य ना माना जाए। अब एक और चीज जिक्र कर देना चाहते हैं कि पद्मिनी का जो ये पद्मावती है, इसको लेकर विवाद, इस फिल्म को लेकर, तो क्या इसके इतिहास में कभी फिल्म बनी है या नहीं बनी है? 1963 में पहली बार रानी पद्मावती नाम की एक फिल्म तमिल में बनती है, जो कि हालांकि फ्लॉप रही थी फिल्म, लेकिन उसका जो वैजयंती माला, उनके नृत्य कारण ये याद किया जाता है। उसके बाद फिर एक ही साल बाद हिंदी में भी फिल्म बनती है, वो भी फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप रहती है, और उस फिल्म में मोहम्मद रफ़ी और आशा जी ने गाना गाया, गाने बहुत प्रचलित हुए, लेकिन फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप थी, फिल्म वो अच्छी चली नहीं। उसके बाद उस 1930 के आसपास चित्तौड़ की रानी नाम का एक मूक फिल्म बंगाल में बनाई गई, वह भी बहुत ज़्यादा चली नहीं, लेकिन वह भी एक फिल्म मूक फिल्म थी। पहले आप जानते हैं आलमारा के बाद चीज़ें किस तरह से चीज़ें, पहले फिल्में मूक बनती थी, पहले चीज़ों में संवाद नहीं होता था। 2009 में भारत की खोज एक सीरियल श्याम बेनेगल बनाते थे, उन्होंने चित्तौड़ की रानी पद्मिनी पर पद्मिनी का जौहर नाम का एक एपिसोड भी शो किया था, उस दौरान भी कोई विवाद नहीं हुआ। विवाद हो रहा है सिर्फ पद्मावती का, जो कि फिल्म आने वाली है रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और दीपिका पादुकोण की। आप समझिए, उसमें कहा गया है कि जो जिस बात के लिए करड़ी सेना विरोध कर रही है, वह कह रही है कि इसमें एक दृश्य दर्शाया गया है कि जब रावल रतन से जब पद्मिनी और अलाउद्दीन खिलजी स्वप्न में प्रेम करने लगते हैं। अब यह बात अगर संजय लीला भंसाली की बात माने, तो वो कहते हैं कि यह बात बिल्कुल निरर्थक है और इसका कोई आधार नहीं है। तो प्रश्न पहला यही उठता है कि यह बात मार्केट में यानी बाजार में कैसे आती है, यह बात आती है या बात जानबूझ कर लाई गई है? दोनों में बहुत फर्क है। भारत विविधता का देश है और विवाद का भी देश है। यहाँ विवाद कुछ होते हैं और कुछ बनाए जाते हैं, निर्णय आपको करना है कि यह विवाद बनाया गया है या विवाद वाकई है। दूसरा प्रश्न, कर्णी सेना जो कि बहुत ज़्यादा पुरानी सेना तो नहीं कहनी चाहिए, राजपूतों की एक संगठन है, दो अगले साल राजस्थान में चुनाव होने वाला है और राजपूत जो है वहाँ सबसे ज़्यादा वोट राजपूतों का है राजस्थान में, तो अगर कर्णी सेना अगली साल राजपूती अस्मिता के नाम पर चुनाव लड़े तो आपको आश्चर्य बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यह दो चीज़ें। तीसरी चीज़,
करीब 30 से 35 करोड़ रुपए आसपास खर्च होते हैं जो बड़ी फिल्मों का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो क्या संजय लीला भंसाली और उनके लोग जो निर्देशन है वाईकॉम 18 जो कि प्रोड्यूसर है इस पूरे फिल्म का, उन्होंने क्या इसकी रणनीति बनाई? क्योंकि संजय लीला भंसाली जितनी भी फिल्में बनाते हैं उसमें विवाद जरूर होता है और उसमें प्रचार प्रसार कम, विवादों से ज़्यादा प्रचार प्रसार ज़्यादा होता है। हालांकि स्थिति अभी ये है कि फिल्म को लॉकडाउन, जोशी जो कि सेंसर बोर्ड के इसमें अध्यक्ष हैं, उन्होंने अभी कुछ दिन दो दिन पहले फिल्म देखी और लौटा दी। एक आखिरी बात जो आपसे कहना आवश्यक है, साहित्य और सिनेमा दोनों समाज के दर्पण हैं, या यूँ कहें समाज की विसंगतियों चीज़ों को दिखाते हैं। देखिए, फिल्में बनाई जाती हैं मनोरंजन के लिए, लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना ही चाहिए कि किसी की भी भावना को किसी भी प्रकार का ठेस ना पहुँचे। व्यापार अपनी जगह है, भावना अपनी जगह है, व्यापार को भी बनाइए, भावनाओं को भी बचाइए और ऐतिहासिकता से छेड़छाड़ ना किया जाए, चाहे जिस मूल की फिल्में हों तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यही ऐतिहासिकता आने वाली पीढ़ी जानती है। और अगर वो इसी तरह से किसी भी फिल्म को लेकर वो गलत जानकारी पाएगी तो निश्चित तौर पर हमारी ऐतिहासिकता, जो हमारी वाकई सही इतिहास है, वह कमज़ोर होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, आप हमें व्हाट्सएप संदेश भी दे सकते हैं। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें आप भेज सकते हैं। हमारे चैनल, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो दूसरों से भी साझा करनी चाहिए या जानकारी इसमें अच्छी दी गई तो दूसरों से भी साझा करिए। सब्सक्राइब लिख कर एक नोटिफिकेशन आ रहा होगा स्क्रीन के जस्ट नीचे वीडियो के, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको नए नए वीडियो जैसे ही हम अपलोड करें आपको मिल जाए। और बेल आइकन, एक घंटी बनी होगी, उस घंटी को बस छू दीजिए अपने हाथों से तो आपको नोटिफिकेशन भी चला जाएगा जब तरुण न्यूज नेटवर्क नया वीडियो बनाएगा। आप देख रहे थे तरुण न्यूज नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।